Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So today we'll start our next topic. Our next topic is the romantic imagination and national feeling. हम लोगों को पढ़ना है कि romantic imagination और national feeling. आखिर ये romantic imagination क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं आपका कि जो chapter हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ये topic पढ़ रहे हैं, तमाम topic पढ़ रहे हैं, उसमें दिखा रहा है कि आपका ये national feelings जो है, वो वार्स के माध्यम से अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन के माध्यम से मतलब हो रहा है, मगर नेशनल नेशनल नेशनलिज्म आया या जो एक नेशन के प्रति लोगों के अंदर में जो मतलब एक आइडियोलॉजी डेवलप किया, तो उसके पीछे सिर्फ आपका नेशनल नेशनलिज्म लाने के लिए सिर्फ आपका मतलब वार या टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही मतलब कारण नहीं था. हाँ, उसके लिए आपका रोमांटिसिज्म और आपका नेशनल फीलिंग्स लाने के लिए कल्चर का जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें भूमिका था, बहुत ज़्यादा रोल था. तो हम लोग को यही पढ़ना है कि इस वार और युद्ध और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अलावे और कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिसके थ्रू आपका पूरे यूरोप के अंदर में एक नेशनल नेशनलिज्म की भावना और नेशनल फीलिंग की भावना जो है वो उभर करके सामने आती है. तो हम लोग इसमें देखते हैं, आपका लिख रहा है कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स. अब जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है, एक राष्ट्रीय भावना को जो आकार दिया वो आपका वहां की कल्चर ने दिया, वहां की संस्कृति ने दिया. चाहे पोएट्री हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, इन तमाम चीजों के माध्यम से जितने भी लोग थे वो आपस में इंटरकनेक्टेड हुए और आपस में जुड़ने का कोशिश किया गया. तो कल्चर ने इम्पोर्टेंट रोल आपका उस समय निभाया है. ठीक है, अब देख रहे हैं कि रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्री जनरली क्रिटिसाइज. और उसमें ऐसा दौर था, उस समय साइंस का भी दौर था, बहुत सारे इन्वेंशन भी हो रहे थे, मगर आपका बहुत से जो आपके मतलब पोइट्स थे और बहुत से आपके आर्टिस्ट थे, उन्होंने जनरली साइंस को आपका जो मतलब साइंस हुआ रीजन हुआ, इन तमाम के जो ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, उसका जो महिमा मंडन चल रहा था, ठीक है, उसको उन्होंने आपका उसको उसके जगह पे उन्होंने इमोशंस को और आपका इंस्टीट्यूशन को और मिस्टिकल फीलिंग्स को, ठीक है, मतलब जहाँ तर्कवाद, जहाँ विज्ञान की बातें वहां चल रही थी, उसके उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया और साथ ही साथ आपका वहां पे उन्होंने आपका जो इमोशंस थे, जो भावना थे, जो फीलिंग्स थे, उसके आधार पर एक राष्ट्र को मतलब एक करने का प्रयास किया, लोगों के अंदर एक एकता लाने का प्रयास किया रोमांटिज्म के माध्यम से. रोमांटिज्म आखिर है क्या? तो कल्चर बेस्ड जो आपका लैंग्वेज है, आपका जो पोएट्री है, आपका जो वहाँ के मतलब फोक म्यूजिक है, फोक डांस है, इन तमाम चीज़ों के आधार पे आपस में जो एक मतलब एकता बनती है, यूनिटी जो क्रिएट होती है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली जो बात हो जाती है, उस चीज़ को लाने का इन्होंने प्रयास किया, ताकि एक राष्ट्र जो है, एक नेशन जो है, वो राष्ट्र के रूप में सामने उभर करके आए, ऐसा प्रयास किया गया. ठीक है, जाहिर सी बात है हमारे कंट्री के अंदर आप देख लीजिए, आप जब चैप्टर 3 पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मना, ठीक है, सो क्यों रचा गया, एक राष्ट्र के रूप में भारत को समझने के लिए रचा गया, एक नेशनल फ्लैग को यूज किया गया, उसमें तमाम धर्म और तमाम भावनाओं का ख्याल रखते हुए उसके रंग को भी डिसाइड किया गया, ताकि सब लोगों का सेंटिमेंट जो है उसमें जुड़े. ठीक है, तो आपका रीजनल लेवल पर भी भाषाओं और बोलियों का प्रयोग किया गया, सबके अपने अपने जो मतलब हेरिटेज थे, जो विरासत थे, उसके साथ उसके आधार पर भी लोगों को एक करने का प्रयास किया गया. तो आपका कल्चर का बहुत बड़ा एक रोल होता है आपका किसी भी नेशन के अंदर में एक फीलिंग लाने के लिए, एक आपका विचार को पैदा करने के लिए, एक आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज. ठीक है, तो इसमें प्रयास किया गया कि सबको एक साझी विरासत के रूप में आपसी पहचान बनाने की आवश्यकता है. ठीक, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन. कॉमन कल्चर पास्ट भी होना चाहिए. अब हम लोग सब लोग भारत के लोग हैं, तो हमारा कल्चर बहुत आपस में मिलता है, इसलिए हम लोग भारत
हमारे अंदर एक मतलब आपका कनेक्शन है, ठीक है, हमारे कुछ ऐसे हेरिटेज है, ऐसे हमारे विरासत है जो हम सब लोगों के समान है, ठीक है, तो हम लोग एक साथ जुड़ते हैं, चाहे किसी भी रीजन के हम लोग हो, तो ये हेरिटेज हो, आपका विरासत हो या आपका कल्चर हो, ये तमाम चीज जो है लोगों के अंदर में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और एक यूनिटी लाने का जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इसमें यही देखना हम लोग को कि आपका ये तो आप समझ गए कि किस आधार पर आपका यहाँ नेशनलिज्म और किस आधार पर आपका नेशनल फीलिंग्स के को लाने का प्रयास किया गया, ठीक है। कल्चर, लैंग्वेज, पोएट्री, प्रोज, बन जो भी आपका था, इन तमाम फीलिंग्स को, इमोशंस को उभारने का प्रयास किया गया कि हम लोग एक राष्ट्र के नागरिक हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है इमोशंस। अगर इमोशंस हमारा एक नहीं हो पाएगा किसी चीज को लेकर के, हम सेंटिमेंट से टच नहीं होंगे, तो फिर ये संभव नहीं है। तो तभी एक राष्ट्र का हम लोग एक सोच सकते हैं, ठीक है। राष्ट्र तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, मगर जो व्यक्ति को व्यक्ति जो है वो एक सेंटिमेंट के आधार पर एक दूसरे से अगर मिलता है, तभी जाएगा वो एक नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में सामने आ पाता है, कोई कंट्री या कोई लैंडमार्क जो भी है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, हम लोग को दो एग्जाम्पल्स इसमें देखना है, इसमें ज्यादा वो जो लिखा है वो सब नहीं है, मगर दो एग्जाम्पल्स देखना यही है कि आपका एक जर्मन फिलोसफर भी जो है, जोहान गॉटफ्रीड गॉटफ्रीड हार्डर जो है, उन्होंने भी क्लेम किया है द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, माने आम जो जनमानस जो बीच है, आम लोग हैं, उनके अंदर ही जो कल्चर है सो है, ठीक है। ये कोट थोड़ा आपने देख लिया, साथ ही साथ आपको ये चीज देखना है कि हाँ पोलैंड का हम लोग एग्जाम्पल देखना है। हम लोग देखा कि पोलैंड जो है एक ऐसा कंट्री है जो आपका ट्रीटी ऑफ वियना के बाद उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के लोग सब लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका पोलैंड के ऊपर में आपका मतलब राइट हो जाता है, मतलब उसमें कब्जा कर लेते हैं, कैप्चर्स कर लेते हैं, ठीक है। उसमें रसिया हो, प्रूसिया हो, ना ऑस्ट्रिया हो, ये तमाम लोग उसको बांट लेते हैं, ठीक है। तो बांटने के बाद होता क्या है, तो वहां के लोगों के लोग जो है अपने कल्चर के आधार पर, अपने लैंग्वेज के आधार पर, अपने डांस के आधार पर, इन तमाम के आधार पर उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और उसको ही मीडियम बनाते हैं और आपस में एक सेंटिमेंट, एक फीलिंग लाने का वो प्रयास करते हैं पोलैंड के जो लोग हैं, ठीक है। अब देखिए नेशनल फीलिंग्स जो है वे आर कैप्ट थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, वो म्यूजिक और लैंग्वेज के माध्यम से अपने अंदर नेशनल फीलिंग जो है वो लाने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देखिएगा कि कारोल और कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल, उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को किस प्रकार सेलिब्रेट किया थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, ओपेराज और म्यूजिक जो है आपका वहां का आपका रीजनल मतलब ये कल्चरल ये एक्टिविटी है, मतलब जो भी आपका है, टर्निंग द डांस लाइक द पोलोनाइज एंड माजोरका इनटू द नेशनल सिंबल, और जो वहां का डांस है पोलोनाइज एंड माजोरका जो है, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट मैंने ये कर लीजिएगा, माजोरका ये तमाम चीज जो है ये कहाँ का है वो बताना होगा आपको, तो बोल दीजिएगा, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से उन्होंने क्या किया आपका कि इसको नेशनल सिंबल बनाया गया, राष्ट्रीय पहचान प्रतीक बनाया गया, वो किसी भी चार चार कंट्री उस कंट्री के ऊपर में कैप्चर किया हुआ है, मगर ये डांस के माध्यम से, इस म्यूजिक के माध्यम से लोग आपस में जुड़े हुए हैं और चाहे किसी भी कोने को हो वो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। तो इन चीजों को उभारने का प्रयास किया गया कि हमारा जो पास्ट है वो इस तरह का रहा है, हमारा म्यूजिक ये रहा है, हमारा डांस रहा है, हमारी भाषा ये रही है और इसके आधार पर हम लोग एक हैं, ठीक है, सबको यूनाइट करने का एक कोशिश रहा है। नेक्स्ट में आप देखिए लिखा हुआ है कि आपका जान रहे हैं कि रसिया का भी पोलैंड के ऊपर में आपका राइट हो गया था, रसिया भी उसके ऊपर कैप्चर किया हुआ था, तो रसिया जब उस पर कैप्चर किया हुआ था तो बात सीधा सीधा मसला यही था कि रसिया ने क्या किया, रसियन लैंग्वेज वाज इम्पोज, रसिया जो है वो अपना लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया पोलैंड के ऊपर में, अपने भाषा को वहां पे मतलब थोप दिया कि भाई हमारा भाषा ही चलेगा, स्कूल हो या तमाम चीजें जो इंस्टीट्यूशंस हो उसमें हमारा भाषा का यूज होगा, पोलैंड है मगर पोलैंड में पोलिश का यूज नहीं होगा, रशियन लैंग्वेज का यूज होगा, ऐसा उन्होंने कोशिश किया, ठीक है। इन 1831 एन आर्म रिबिलियन अगेंस्ट रशियन टुक प्लेस विच अल्टीमेटली क्रस्ट, ठीक है, और मगर अब उन्होंने अगर विरोध किया इसका तो उनको क्रश कर दिया गया, बहुत से प्रेस से, बहुत से आपके मतलब ये आपके चर्च के जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पोलैंड भाषा को आगे लाने लगे वो लोग, पुलिस को रसिया ने जब इम्पोज किया तो वो लोग बोले नहीं, हम लोग भाई
अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो अपने लैंग्वेज के बेस पर ही करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पोलिश भाषा को और जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया और उसको ही अपना हथियार बनाया उस आंदोलन का, उस मूवमेंट का, ठीक है। और जहां भी गैदरिंग करते थे, चर्च हो या कोई मीटिंग हो या संस्था हो या जो भी हो, ठीक है, तो तमाम चीजों में आपका पोलिश लैंग्वेज का ही यूज कर रहे थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से यही था कि पोलिश लैंग्वेज जो है उस समय रशियन विरोध का एक आपका सिंबल बन चुका था, वहां पे सिंबल बन चुका था, ठीक है। सो पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वीपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। देखिए इसमें लिख रहा है कि जो पोलैंड का जो लैंग्वेज है वो एक आपका रेसिस्टेंस करने का एक सिंबल बन चुका था, ठीक है। सो पोलिश वाज यूज्ड ऑफ चर्च गैदरिंग एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जितना भी आपका धार्मिक उपदेश देना है या रिलीजियस जो भी करना है उसमें वो अपना यूज कर रहे थे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट, मगर उसमें क्या क्या बहुत से नंबर में प्रिस्ट जो थे, पुजारी थे, बिशप्स थे, वेयर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया, उनको जेल में डाल दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा मसला यही है यहाँ पे कि रोमांटिज्म जो है वो पोएट्री, वो कल्चर, वो लैंग्वेज, ठीक है, ये डांस, म्यूजिक, इन तमाम के आधार पर एक कंट्री के अंदर में रहने वाले तमाम लोगों के अंदर में आपका जो एक सेंटिमेंट है, जो एक फीलिंग है, जो भावना है, जो इमोशन है, उसको जोड़ने का एक प्रयास किया गया। एक कंट्री जो है वो आपका ज्योग्राफिकल लैंड ही होता है, मगर उसके अंदर रहने वालों के अंदर में जब एक सामंजस्य होता है, जब आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होता है, जब एक साझी विरासत होती है, जब आपका एक हेरिटेज होता है, ठीक है, और तमाम चीजों के बेस पर जो आपस में जुड़ते हैं, तभी एक नेशन का फॉर्मेशन होता है। और इन तमाम बिंदुओं के आधार पर जो है आपका वहां पर आपका मतलब ये फीलिंग्स जगाई गई और नेशनलिज्म जो है उसको प्रमोशन मिला, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।